इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे ही हम कोई अपनी वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें थीम्स और प्लगइन्स डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। समटाइम हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है, फिर भी हम कोई थीम्स और प्लगइन डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आज हम इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे और उस अनेबल करना सीखेंगे कि हम कैसे अनेबल करके यहाँ पर होस्टिंग में न्यू ऐड करने का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग अगर कोई प्लगइन्स है उसको भी डिलीट करने का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं जो हमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर आपका ये डोमेन होस्ट है वहां जाएंगे, जैसे मेरी होस्टिंगर पर होस्ट है तो मैं सिंपल इसमें प्रोविन ग्रुप को में जाऊंगी और यहाँ पर आप जैसे अपने उसमें आ जाएंगे तो सिंपल हम इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद सिंपल यहाँ पर फाइल्स में आएंगे और फाइल्स में आने के बाद फाइल मैनेजर में आएंगे। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपके पास ये असेस फाइल ऑफ प्रोविन यानी प्रोविन ग्रुप को की इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी wp-config.php, ठीक है। आपने सिंपल इसे क्लिक करना है, तो आपने जैसे क्लिक करना है उसके बाद आपने डाउन आ जाना है और डाउन आने के बाद आपको ये डिफाइन डिसअलाउ फाइल्स जो हुई है जो ट्रू हुई है आपने सिंपल इसे कर देना है फाल्स। जैसे आप इसे फाल्स करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप अपने बैक आएंगे और बैक आने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे हमने उसे फाल्स किया तब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ गया है और इसे भी रिफ्रेश करते हैं और आप इधर भी देख सकते हैं कि हम एड न्यू थीम्स और प्लगइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये एरर को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।